हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में एकदम सेफ सुरक्षित होंगे। तो गाइस, मैं आ गई हूँ अपने जहाँ पे मैं रहती हूँ, यानी अपने हस्बैंड के पास, अपनी माँ के घर से। तो जिस दिन मैं आई थी ना अपनी मम्मी के घर से, उस दिन तो मेरा थोड़ा थोड़ा ऐसे ही मूड था, क्योंकि मैं आई थी रक्षाबंधन वाले दिन, रात हो गई थी आते आते। तो उसके बाद मेरी एक दो वीडियो तो कंटिन्यू चली, तो बहुत से लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आपने ना वीडियो वहाँ जा के क्यों नहीं डाला। तो गाइज, आप समझ सकते हो कि मेरा ना मम्मी से बहुत ज़्यादा लगाव है। मेरे घर में मेरी भैया, भाभी, भतीजे, पापा मेरे हैं नहीं, लेकिन मेरी मम्मी से बहुत ज़्यादा लगाव है। हर चीज़ को ना आप अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हो। पहले कुछ टाइम ऐसा था कि मैं, मतलब एक एक साल मुझे हो जाता था, क्योंकि मेरी भाभी थी। अब मेरी भाभी ना पुलिस में लग गई हैं, तो मेरा मन करता है कि मैं कुछ टाइम अपनी माँ के पास जा के बिताऊँ, क्योंकि होता है ना, बड़े बूढ़े जब लोग हो जाते हैं तो उनका मन करता है कि हमारे बच्चे हमारे पास रहें। तो भाभी का अब जॉब लग गया है, तो इसलिए अब मुझे पहले जाने में आने में बहुत ज़्यादा आलस लगता था। तो अब मैंने थोड़ा थोड़ा वो आलस दूर किया है कि थोड़ा हिम्मत करिए कि नहीं, दिल्ली भी इतना दूर नहीं है, आज भी जाना चाहे तो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। तो मुझे थोड़ा थोड़ा आदत हो गई है, तो इस साल में तो मेरे 2-3 चक्कर लग गए हैं। तो मैं सोचा कि, पता है, वीडियो भी डालने का बिल्कुल मन नहीं होता था, मम्मी के पास बैठो बातें करो, तो फिर भी मैंने 2-3 वीडियो बना ली थी वहाँ पे। हाँ हेलो, तो आप लोग बोल रहे थे कि आपकी मम्मी ने आपको क्या क्या दिलवाया, आप लोग बताना। तो मैंने सोचा मैं उनको रखने से पहले ना आप लोगों के साथ, मतलब बता देती हूँ, दिखा देती हूँ कि मेरी मम्मी ने, मेरे भाई ने मुझे क्या क्या दिलवाया है राखी पे। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी अपने से। तो फ्रेंड, एक ये साड़ी है, ये ना प्योर कॉटन में है, येलो कलर की। आप इसे किसी पूजा वगैरह में या किसी भी धार्मिक जगह आप जा रहे हो तो पहन सकते हो, वैसे भी पहन सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप पूजा वगैरह कर रहे हो तभी आप इसे पहनिए। तो काफ़ी अच्छी है, तो मैं खोल के तो नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि फिर ऐसे ही ना तैर नहीं बस पाती है ना। देखा आपने ये वाली इस तरह से। और फ्रेंड, एक ये वाली साड़ी है, ये मैं आपको दिखाती हूँ इसका, ये देखिए इस तरह से है, ये इसमें इस तरह का बॉर्डर दिया हुआ है, और इधर ये ग्रीन पैरेट में है ऐसे वाला। और इसका ना कपड़ा जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्टली कपड़ा है, अच्छा लग रहा है देखने में भी। तो इसे मैं रेडी कराऊँगी ससुराल वगैरह के लिए, या मैं यहाँ पे भी इसे पहन सकती हूँ कभी कोई फेस्टिवल वगैरह है तो, ठीक है। और एक साड़ी है ये तो बहुत ही लाइट वेट है, और इसका जो कपड़ा है ना, वो जो आप मलाई वाला जो कपड़ा बोलते हो ना, बहुत ज़्यादा ही सॉफ्टली होता है वो वाला कपड़ा है इसका। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, क्योंकि बहुत ही हल्की है। मैं ऐसे ना डेली वेयर, मैं ऐसे रोज़ पहन के भी इसका मैं ब्लॉग वगैरह इसमें बना सकती हूँ, इससे भी मुझे रेडी करना है। तो ये वाली है, ठीक है फिर। और उसके बाद है ये वाली साड़ी ग्रे कलर की, जो मैं ना काफ़ी टाइम से लेने के लिए सोच रही थी, तो इसे तो रेडी करा दिया था, तो इसका ब्लाउज भी तैयार हो गया है। और ये ना अंदर से इसमें ना ऐसा वर्क है, मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें जो वर्क है ना वो ऐसे वाला है, ये वाला वर्क है, और काफ़ी अच्छा लगेगा। और देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह से दिया हुआ है, ये इस तरह से, काफ़ी लाइट वेट है, इसमें बिल्कुल भी हैवी नहीं है ये। मुझे ना इस तरह की साड़ी ना बहुत अच्छी लगती है। आप ज़्यादा हैवी साड़ियाँ ले लो ना, तो आप उसे एक दो बार पार्टी वगैरह में पहन के, किसी की शादी वगैरह में पहन के रख दो, लेकिन जब वो पुरानी हो जाती है तो आप उसे ना डेली में नहीं पहन सकते, क्योंकि इतना हैवी साड़ी पहन के कोई भी काम नहीं कर सकता। ये साड़ी ऐसी है, ये पार्टी वगैरह में भी अच्छा लुक देंगी, और जब भी पुरानी हो जाएंगी ना तो आप इन्हें घर में भी डेली यूज़ के लिए निकाल सकते हो। तो इसलिए मुझे ना, मैं लाइट वेट में साड़ी ले। तो उसके बाद ये एक दुपट्टा है, ये मेरे सूट के साथ का है, जो उसमें सूट में दुपट्टा था लेकिन छोटा था, तो मम्मी ने ना ये अलग से लिया था, और ये खाली खाली दुपट्टा ही मुझे 200 रुपये का पड़ा था। वैल्यू में तो वैसे भी महंगा ही, लेकिन क्वालिटी जो होती है ना, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है वहाँ की, बहुत अच्छी। और ये डेली एक दुपट्टा ये है, जो मम्मी ने मुझे वैसे दिया था कि मैं जैसे कहीं मार्केट वगैरह में जाती हूँ तो कुर्ते वगैरह पे मैं डाल लूँ, क्योंकि ये जो जहाँ मैं रहती हूँ एक वो प्रॉपर सिटी नहीं है, मतलब कि जो बोला यहाँ पे ना बिना चुनने के आप जाओ तो बहुत अजीब गरीब सा लगता है। तो इसलिए मैंने कहा मम्मी एक सॉफ्ट सा दुपट्टा दो, वैसे तो मैं चली जाती हूँ कभी कभी,
ये देखिए इस तरह से बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये हो गए गाइस। तो उसके बाद है मेरा एक ये सूट। तो फ्रेंड्स ये शरारा टाइप का है और मैं आपको दिखा देती हूँ। चलो इसमें ना ये ऐसा है, ये ब्लैक है, ये जो चीज़ है ये ब्लैक है और ये पूरा ऐसा है। काफ़ी अच्छा लगा था ये मुझे, इनको भी काफ़ी अच्छा लगा है। तो बस अभी तो अपना टेल लगाते जाकर बाद में इसकी तैयार बनाएंगे, पहले आप लोगों को दिखा लेते हैं अच्छी तरह। और इसके बाद है फ्रेंड्स एक ये ग्रीन कलर का, जो मेरे पास ना ग्रीन का है, पैरेट वैरेट ऐसे कलर बहुत सारे हैं, लेकिन इस टाइप का जो ग्रीन है ना ये मेरे को बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मेरा कलर थोड़ा सा फेयर है ना, तो अच्छा लगता है इसी चीज़ें। ये देखिए ये इस तरह से दिया हुआ है, मैं इसकी भी टैग खोल देती हूँ, देती हूँ इस तरह से देखो अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लगेगा। इसके पूरा फुल है ठीक है, ये दुपट्टा है इसका, दुपट्टे की जो लेंथ है वो ऐसी नहीं है जितना मैं चाहती हूँ, इसका मुझे अलग से लेना पड़ेगा। और ये इसमें प्लाजो है नीचे, इसमें भी नीचे ना इस तरह से वर्क दे रखा है, ये प्लाजो है काफ़ी अच्छा है। और एक ये है, ये भी ग्रीन है, ये वाला ग्रीन और इस ग्रीन में ना थोड़ा फ़र्क है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क है, वो बहुत ही अलग ग्रीन है, मतलब जो हर किसी के ऊपर सूट करेगा, जो जो जिसका फेयर कलर का वो तो धमाल लगने वाला है उस कलर में। और ये है ये। और गाइस आप लोग बाद में रेट पूछो तो ये ना डिस्काउंट करके मतलब ये था, ये सारी की सारी कुर्तियों को हमने एक साथ पेमेंट किया था, तो आई थिंक 6-6.5 के आसपास दे रही थाउजेंड में। तो ये देखिए ये इस तरह से, और ना फिटिंग उन्होंने ही कराई थी जहाँ से हमने ये लिए थे ना, उन्होंने साथ के साथ फिटिंग करा दी थी ठीक है। और इसमें ये दुपट्टा है कॉटन का, दुपट्टे ना मुझे तब अच्छे लगते हैं जब उनकी फुल लेंथ हो, और छोटे बड़े हिस्से यार ये ठीक है, उसी वाले का ग्रीन थोड़ा वो ठीक नहीं है, ये वाला ठीक है ये है। और इसमें भी प्लाजो है नीचे, इसमें इस तरह से वर्क दे रखा है, इसमें भी प्लाजो है। ये हो गया। और एक है ये वाला येलो, जो इसका जो कलर है वो येलो नहीं है, इसे मजेंटा जो कलर होता है ना वो वाला बोलेंगे, मजेंटा येलो वाला, वो काफ़ी अच्छा है देखने में। मैं भी दिखाती हूँ आपको, देखिए ये इस तरह से है। और ये कलर ना मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये ऐसे जो येलो वगैरह कलर होते हैं ना, उसके जो येलो में जो आते हैं वो कलर, वो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस मैंने इसीलिए लिया था ये वाला। इसकी भी फिटिंग वगैरह सब हो रखी है। और इसका जो वो येलो मैंने आपको दुपट्टा दिखाया ना, वो इसी के साथ का मैंने लिया था, तो इसमें भी नीचे प्लाजो है और इसकी प्लाजो पे इस तरह से वर्क किया हुआ है जो अच्छा है काफ़ी देखने में ठीक है जी। ये हो गए। और फ्रेंड्स ये एक अनमोल का था, ये अनमोल ने पहना था राखी वाले दिन, ये वाला तो अनमोल का ये एक सूट है ठीक है। और एक ये मेरा है जो आप लोगों ने मुझे राखी वाले ब्लॉग में देखा होगा पहने हुए, तो मैंने इसे धो दिया था, धो के प्रेस करके रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से तैनी होगी। और ये इसका पूरा सेट है, और जो ये कलर ना बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा मैं दिखाती हूँ इनके इनकी क्या क्या है। तो फ्रेंड्स मेरी हस्बैंड के लिए एक ये टी शर्ट है,
देखिए, ब्लू कलर की, काफ़ी अच्छे कपड़े में, एकदम बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा। ये टी शर्ट हो गई, काट दूंगी। और एक ये है येलो कलर की, ये उनको दोनों ही बहुत पसंद आई है, मैं उनको काटती है। और इसका देखिए रेट आप खुद देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे शोरूम से और ब्रांडेड हैं पूरी, 1499 रुपये की दोनों या एक पता नहीं इस पर कितना है। ये ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड कपड़ा है, इतना अच्छा कपड़ा है इनका, बहुत ज़्यादा। ये मैंने इनके डेली यूज़ के लिए, मेरे भाई ने ये खरीदे थे। और ये एक ही नेकर है 1300 रुपये का, आप लोग बोलेंगे एक ही नेकर, क्योंकि गाइस ब्रांडेड है। और कपड़ा सही बता रही हूँ मैं गाइस, वो एक कपड़ा है ना, इतना अच्छा है, इतना मजबूत है, इतना मतलब सॉफ्टली कपड़ा, मतलब देखिए रेट रेट के हिसाब होते हैं, चीज़ तो 200 रुपये में भी आती है और चीज़ 500 रुपये में भी आती है, चीज़ 2000 में भी आती है, लेकिन जो ब्रांडेड है ना ये बहुत ज़्यादा, और उस शोरूम पर बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहती है। तो ये कलर ये लिया था हमने इनके लिए, ये वाला, एंड एक ये लिया था, एक ब्लू वाला। और इनके लिए एक ये शर्ट है, ये वाइट पैटर्न है इसका, और इस पर ना ब्लैक कलर की छींटती हुई है, छींट जो बोलते हैं छोटी 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 सी, जो काफ़ी अच्छी है। ये पैंट है जो ये ब्लू है, और इसमें ना इस तरह से ये दिया हुआ है, ये काफ़ी अच्छी लग रही है इससे, ये देखिए। और नीचे की डिज़ाइन नहीं हुई है, मैं काम की डिज़ाइन की पैंट होती है, देखिए ठीक है, हटाओ देंगे अभी। तो गाइस ये थी मेरी, जो मेरे भाई ने, मेरी माँ ने हमारे लिए खर्च किया। मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, सबके माँ बाप करते होंगे, लेकिन एक पता है मायके में हम लोग जाते हो और मायके से कुछ मिलता है ना, तो उसकी खुशी अलग होती है। और मेरी भाई माँ हमेशा मेरे लिए काफ़ी खर्च करते हैं, तो सब लोगों के करते हैं, मेरी माँ मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती है, सबकी माँ हाँ करती हैं। तो ये देखिए, ये एक दिन के गए, एक दिन के लिए गए थे, तब भी उन्होंने इनके लिए काफ़ी मतलब वो करा है। तो आप लोग बोलते भी हो कि आपके मायके वाले आपको बहुत प्यार करते हैं, भाई सबके माँ बाप करते हैं, जिस पर जैसी गुंजाइश होती है सब लोग करते हैं, बस हम लोगों के माँ बाप की, हमारे भैया भतीजे की उम्र भगवान लंबी करे, उन्हें हमेशा खुश रखे। और हाँ, और भी जैसे सावन में पोथली आती है ना बहुत सी जगह, तो हमारे यहाँ बोझ बोला जाता है, तो वो मैं जैसे पहले जैसे तो राखी वगैरह पे जाती हूँ, अगर नहीं भी जा पाती है तो मेरे भाई पैसे डाल देता है, तो उसका भी है, चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये है एक जवे का कट्टा, जवे का मतलब 5-6 किलो जवे होंगे इसमें, ये वाला। और ये है पूरा पैकेट मैक्रोनी का, ये वाला। फ्रेंड्स ये मम्मी और मेरे भाई ने जो भी मुझे तोहफे दिए हैं, जो भी मेरे लिए ख़रीदा है, आपको कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, साइड में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी जल्दी पहुँच जाएगा। तो फिर से मिलूँगी अच्छी से वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्ते, बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल दोस्तों, अपना ध्यान रखना सब लोग।